हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ NS200 नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जैसे कि हम लोग को पता है NS200 मार्केट पर आया था 2014 पर, तब से यह बाइक कुछ दिनों के लिए डिसकंटिन्यू हो गया था। बट उसके बाद रीलॉन्च हुआ न्यू कलर ऑप्शन न्यू ग्राफिक्स के साथ, बट बाइक कुछ खास नहीं आया, वही हमको पुराने वाला ही मिल रहा था। अभी जो 2021 चल रहा है, अभी तक इस बाइक पर कोई भी मेजर अपडेट नहीं हुआ है। BS4 से BS6 पर अपग्रेड हो गया, बट मार्केट पर इसका सेल कभी डाउन नहीं हुआ। इस बाइक को सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसकी परफॉर्मेंस, माइलेज एंड इसकी लुक की वजह से। इसी बात को नजर रखते बजाज वालों इसका नेक्स्ट जनरेशन बाइक लाने जा रहे हैं, जो फ्यूचर में आएगा बहुत जल्दी। एंड आपको पता ही होगा 250 RS आ रहा है मार्केट पर, 250 F आ रहा है पल्सर की ओर से। वो सारे वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा लिंक, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो बजाज सीरीज की अपकमिंग बाइक में से आपको RS 250, बजाज पल्सर 250 F नजर आ जाएगा। उसी तरह से आपको NS 250 भी बहुत जल्दी इंडियन मार्केट पर लॉन्च होने जा रहे हैं। NS 250 अगर मार्केट पर आते तो क्या क्या चेंजेस आपको मिल जाएगा, सो ये वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है। सो इंजन की अगर बात किया जाए NS 250 एज कम्पेयर टू NS 200, 247.7 cc का इंजन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड NS 200 पर आता था 199.5 cc का इंजन, बट यहाँ पर आपको 247.7 cc का इंजन देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड पावर की बात किया जाए, BHP की अगर बात किया जाए, 27 BHP की पावर देखने को मिल रहा है दोस्तों। NS 200 पर आता था 24.5 BHP, यहाँ पर आपको 27 BHP के पावर मिल रहा है। एंड टॉर्क की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 8500 RPM के साथ आपको 23 Nm टॉर्क मिल रहा है। एंड यहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक फोर वाल्व लिक्विड कूलिंग की ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों। NS 200 पर भी आपको लिक्विड कूल देखने को मिल रहा था, 250 NS पर भी आपको लिक्विड कूलिंग की ऑप्शन मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। कंफर्ट की अगर बात किया जाए तो पहले वाला NS 200 पर आता था टेलीस्कोपिक एंड मोनोशॉक सस्पेंशन, बट यहाँ पर आपको USD फोक्स मिल रहा है जो 43mm का होगा। एंड रियर पर आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होने की वजह से आपका हाइट चाहे कम या फिर ज्यादा हो, आप अपनी सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड बाइक ऑब्वियसली डुअल चैनल ABS के साथ आता है। फ्रंट पर आपको 300mm डिस्प्ले एंड रियर पर आपको 230mm डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एंड टायर साइज की अगर बात किया जाए तो फ्रंट पर आपको 100x96 का टायर एंड रियर पर आपको 140x76 का टायर देखने को मिलेगा। पहले वाला NS 200 पर 130x70 का टायर आता था, तो इस वाली NS 250 पर आपको 130x70 का टायर मिल रहा है। एंड फुल बॉडी की अगर बात करें तो काफी चेंजेस नजर आ जाएगा आपको, जैसे कि बैक कावल काफी ज्यादा शार्प होने वाला है, फ्रंट की जो कावल है साइड की ओर से वो काफी ज्यादा शार्प होने वाला है। हेडलैम्प के साथ भी आपको काफी चेंजेस नजर आ जाएगा। पहले वाला NS 200 पर आता था हैलोजन हेडलैम्प, यहाँ पर आपको फुल्ली LED सेटअप मिल जाएगा, जैसे कि चारों इंडिकेटर्स आपको LED मिलेगा, फ्रंट हेडलैम्प आपको LED मिलेगा। मीटर की अगर बात किया जाए तो NS 200 पर आता था डिजिटल एंड एनालॉग मीटर, बट NS 250 पर फुल्ली डिजिटल मीटर के साथ आएगा। एंड यहाँ पर आप गियर शिफ्टिंग भी देख सकते हो, लो फ्यूल इंडिकेटर्स भी देख सकते हो, डेट टाइम जो पहले था उससे काफी अपडेट हो गया मीटर। एंड इस बाइक पर आपको ब्लूटूथ की ऑप्शन भी मिल सकता है, क्योंकि इसका कंपेटिटिव जो बाइक है Apache 204B, उसमें ब्लूटूथ की ऑप्शन मिलती है, जिससे थ्रू आप फोन को अपनी बाइक से कनेक्ट कर सकते हो। एंड इस बाइक पर आपको 3 मोड भी देखने को मिल सकता है, अर्बन, रेन एंड स्पोर्ट्स मोड। एंड इस बाइक को लेकर अगर आप सिटी के अंदर राइड करते हो तो डेफिनेटली आपको 30 तक माइलेज मिल सकता है। एंड इस बाइक को लेकर अगर आप हाईवे पर राइड करते हो तो डेफिनेटली आपको 30 से 40 तक माइलेज मिल जाएगा। ऑन रोड प्राइस की अगर बात किया जाए इस बाइक का, सो आपको इस बाइक के लिए ऑन रोड प्राइस 2 लाख के आसपास देखने को मिल सकता है। मैंने एक एक्सपेक्टेशन प्राइस बता दी, शायद इसका कम या फिर ज्यादा हो सकता है, आपका सिटी वाइज प्राइस थोड़ी सी चेंज हो सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेना। 17 के सब्सक्राइब कंप्लीट हो गया, जल्दी से 20 के सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।